यह साल कई नई गाड़ियों के लोन से भरा रहा है और ऐसा ही अगले साल यानी साल 2022 में भी कई लोन से भरा रहने वाला है। इसमें एसयूवी सेगमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। 2022 में कई नए एसयूवीज वाहन लॉन्च होने वाले हैं। कई कंपनियां अपने पुराने एसयूवीज के नए मॉडलों को लेकर आने वाली है। मारुति सुजुकी से लेकर महिंद्रा जैसी कंपनियां अपने पॉपुलर मॉडल की फेसलिफ्ट मॉडल को लेकर आ रही है। तो आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवीज के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले गाइज, अगर आपने अब तक हमारे इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। और फर्स्ट अपकमिंग कार इज महिंद्रा स्कॉर्पियो। 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो पर कंपनी लगातार काम कर रही है। इस एसयूवी को अगले साल एक नए अवतार में पेश किया जाना है। इसे कंपनी ने नए लेडर ऑन प्लेटफॉर्म पर मैन्युफैक्चर किया है। इसे भी पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शंस के साथ लाया जाएगा जिसका यूज थार में भी किया गया है। इसे मार्च 2022 तक इंडिया में लाया जाना है। महिंद्रा स्कॉर्पियो को सबसे पहले 2002 में लाया गया था और अब तक इसमें कई फेसलिफ्ट लाए जा चुके हैं। इसके बाद 2014 में इसे पूरी तरह एक नए अवतार में लाया गया था। इस नए मॉडल के जगह पुराने मॉडल ने ली थी, लेकिन अब नए मॉडल के लाए जाने के बाद प्रेजेंट टाइम मॉडल की बिक्री भी जारी रहेगी। और सेकंड अपकमिंग कार इज स्कोडा केरोक फेसलिफ्ट। स्कोडा केरोक फेसलिफ्ट को अगले साल इंडियन मार्केट में और नई चेंजेस के साथ लाया जाएगा। स्कोडा का कहना है कि नए केरोक के डिजाइन और टेक्निक को अपडेट किया गया है। स्केच की बात करें तो यह एसयूवी अब डेफिनेटली ज्यादा शार्प और सिल्क दिखाई देती है। स्कोडा केरोक के इंटीरियर की बात करें तो इसमें केबिन में बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है जो एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करेगा। कार के केबिन और डैशबोर्ड का रंग ब्लैक बी स्टोन में दिया जाएगा। इसमें मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। साथ ही माना जा रहा है कि यह कंपनी के लाइनअप में शामिल होने वाली एक प्लग इन हाइब्रिड वर्जन हो सकता है। बता दें कि पुरानी स्कोडा केरोक को कंपनी ने सुपर आरएस वर्जन में पेश नहीं किया था। और थर्ड अपकमिंग कार इज न्यू मारुति ब्रेजा। देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चर कंपनी मारुति सुजुकी अपनी न्यू जनरेशन मारुति सुजुकी ब्रेजा को भारत में लॉन्च करने की तैयारियों में है। नई मारुति सुजुकी ब्रेजा कंपनी के नए मॉडल की पहली एसयूवी होगी। इस एसयूवी को बिना किसी कैमोफ्लाज के पहले ही टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है, जिससे इसके डिजाइन के बारे में कुछ जानकारियां सामने आई थी। यह अब भी अपने बॉक्सी एसयूवी डिजाइन एलिमेंट्स को बरकरार रखेगी, लेकिन डिजाइन में बड़े चेंजेस किए जाएंगे। इंटीरियर भी बिल्कुल नया होगा, तो नए डैशबोर्ड डिजाइन, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ एक नया और बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें देखने को मिलेगा। पावरट्रेन की बात करें तो इंजन प्रेजेंट टाइम मॉडल के सिमिलर रहेगा, तो यह 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आती रहेगी। हालांकि मारुति सुजुकी गियरबॉक्स को 6 स्पीड यूनिट में अपग्रेड कर सकती है। और फोर्थ अपकमिंग कार इज टोयोटा हिलक्स। टोयोटा हिलक्स को हाल ही में एक एड फिल्म शूटिंग के दौरान स्पॉट किया गया था। इस कार को कंपनी जनवरी 2022 में लॉन्च करने वाली है। टोयोटा हिलक्स को डबल केब वेरिएंट के साथ लाया जाना है। इसे कई एक्सेसरीज के साथ भी देखा गया था। कंपनी इस लाइफस्टाइल ट्रक को दो डीजल इंजन ऑप्शंस के साथ लाने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, thanks for watching.